भगवते वासुदेवाय उपदेशामृत के ऊपर अपनी चर्चा को आगे जारी रखते हुए आज हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 2। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रहः जनसंघश्च लौल्यश्च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति। अनुवाद। जब कोई निम्नलिखित 6 क्रियाओं में अत्यधिक लिप्त हो जाता है तो उसकी भक्ति विनष्ट हो जाती है। पहला, आवश्यकता से अधिक खाना या आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना। दूसरा, उन सांसारिक वस्तुओं के लिए अत्यधिक उद्यम करना जिनको प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। तीसरा, सांसारिक विषयों के बारे में अनावश्यक बातें करना। चौथा, शास्त्रीय विधि विधानों का आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं अपितु केवल नाम के लिए अभ्यास करना या शास्त्रों के विधि विधानों को त्याग कर स्वतंत्रता पूर्वक या मनमाना कार्य करना। पांचवा, ऐसे सांसारिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों की संगति करना जो कृष्ण भावनामृत में रुचि नहीं रखते। तथा छठा, सांसारिक उपलब्धियों के लिए लालायित होना रहना। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पहले श्लोक में हमने देखा कि रूप गोस्वामी एक साधक के मार्ग में 6 वेगों को बताए जिनके द्वारा हम इंद्रिय भोग में लिप्त होने की हमारे अंदर प्रवृत्ति होती है। वाचो वेगम, मनस क्रोध वेगम, जिवा वेगम, उदर अपस्त वेगम। तो ये जो वेग हैं 6 वेग, इनसे हमारी बहुत प्रकार की अवांछित प्रवृत्तियां बनती हैं, टेंडेंसीज प्रवृत्तियां बनती हैं बहुत सारी। तो अगले श्लोक में इन 6 वेगों के द्वारा ऐसी कुछ सबसे महत्वपूर्ण सबसे प्रबलशाली 6 प्रवृत्तियों को बताया गया है जो भक्ति मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट है। तो ये जो 6 वेग हैं इनके द्वारा उत्पन्न होने वाली ऐसी 6 प्रवृत्तियाँ जो सबसे ज़्यादा हानिकारक हैं साधक के लिए, वो दूसरे श्लोक में बताया है। एक एक करके हम इन प्रवृत्तियों को लेंगे। सबसे पहला है अत्याहार। तो पहले भक्ति विनोद ठाकुर की पीयूष वर्षिणी वृत्ति और भक्त्यालोक में उन्होंने जो इसका विवरण दिया है उसके ऊपर चर्चा करेंगे और बाद में फिर श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य के ऊपर चर्चा करेंगे। तो ये जो शब्द है अत्याहार, इसका अर्थ केवल आवश्यकता से अधिक खाना ही नहीं है, क्योंकि पहले श्लोक में ही आवश्यकता से अधिक खाने का वर्णन तो हो चुका है। किस शब्द के रूप में? उदर वेगम मतलब आवश्यकता से अधिक खाना। तो इसलिए ये तो बहुत, ये पुस्तिका बहुत कंसाइज है, मतलब बहुत क्लिष्ट नहीं, बहुत सार इसमें बहुत छोटे में दिया गया है। तो इसलिए पुनरावृत्ति नहीं होगी। इसलिए अत्याहार शब्द जो है वो केवल आवश्यकता से अधिक खाने के विषय में नहीं है। तो आहार शब्द का अर्थ है कुछ भी अपने इंद्रिय भोग के लिए ग्रहण करना, वो सब आहार कहलाता है। और अति आहार मतलब आवश्यकता से अधिक ग्रहण करना। तो इसलिए अत्याहार अर्थात कोई भी विषय अगर हम अपने इंद्रियों से आवश्यकता से अधिक उसको भोग का उपभोग करते हैं तो वो अत्याहार कहलाता है। तो इस तरह से हमारी जो समस्त इंद्रियां हैं, आँखों से रूप, कानों से शब्द, जिह्वा से स्वाद,
त्वचा से कोमल चीज का स्पर्श इत्यादि, ये सब चीज़ों के संदर्भ में यदि आवश्यकता से अधिक किसी भी चीज़ का उपभोग किया जाए तो वो अत्याहार कहलाता है। अब ये सब शब्द जो है अति, इसको पहले भक्तिवेदांत ठाकुर समझाते हैं कि जो भी इस भौतिक जगत में शरीर धारण किए हुए हैं उनके लिए पूरी तरह से इंद्रिय भोग को छोड़ना नामुमकिन है। शरीर की आधारभूत आवश्यकताएं हैं उसको मेंटेन करने के लिए, इसलिए समस्त रूप में इंद्रिय भोग को नहीं छोड़ सकते हैं। इसलिए भगवान भगवद्गीता में कहते हैं, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य अकर्मकृत कार्यते ही अवशा कर्म सर्वे प्रकृति जैर गुणई, कि हर व्यक्ति विवश है प्रकृति के तीनों गुणों के द्वारा कुछ ना कुछ कर्म करने के लिए। कर्म करना अर्थात कुछ शरीर के लिए प्राप्त करना। तो इसलिए अत्याहार का फिर अर्थ क्या होगा, अति अति शब्द क्यों लगाया यहाँ पर, कि यदि किसी भी विषय को, इंद्रिय के किसी भी विषय को यदि हम अपने एक भोग वृत्ति से कृष्ण की सेवा में उसको उपयोग करने की जगह हम उसको केवल एक उसको उसका आनंद उठाने के लिए इंद्रियों के माध्यम से, इस उद्देश्य से या इस भावना से यदि हम किसी विषय का उपयोग करते हैं, उपभोग करते हैं, तो फिर वो अत्याहार में गिना जाता है, वो पाशवी हो जाता है और इसलिए हमें बंधन में बांधता है। इसके विपरीत भक्तगण ये सभी जो शारीरिक क्रियाएं हैं, खाना, देखना, सुनना, इन सबको वो भक्ति सेवा में नियोजित करते हैं कि जितना केवल भगवान की सेवा के लिए जरूरी है उतना, और जिस प्रकार से वो अनुकूल है उस प्रकार से ही केवल विषयों को ग्रहण करते हैं, तो वो अत्याहार में नहीं गिना जाता है। इसके लिए भगवान कहते हैं भगवद्गीता में, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो अभी यहाँ पर शब्द है युक्ताहार इस भगवद्गीता के श्लोक में, और ये जो उपदेशामृत का शब्द है यहाँ पर शब्द है अत्याहार। तो अत्याहार और युक्ताहार, अत्याहार गलत है, युक्ताहार सही है और आवश्यक है। तो युक्ताहार में आ गया अत्याहार यानी आवश्यकता से अधिक और आवश्यकता से कम, दोनों ही गलत है, दोनों ही गलत है। इसलिए भक्तगण क्या उपयोग करते हैं, शब्द युक्ताहार, इसके अनुसार वो चलते हैं। और ये युक्ताहार और युक्त वैराग्य ये भी एक समान है, युक्ताहार युक्त वैराग्य, यानी भौतिक विषयों का केवल भगवान की सेवा के लिए जितना आवश्यक है उतना ही उसका उपभोग करना, वो युक्त वैराग्य कहलाता है, है ना। तो युक्त वैराग्य की डेफिनेशन क्या दी है रूप गोस्वामी ने, अनासक्तस्य विषयान यथार्थम उपयुञ्जतः निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य मुच्यते। तो इसलिए युक्त वैराग्य युक्ताहार और गलत है अत्याहार। तो अभी ये जो भगवद्गीता के अंदर छठे अध्याय में जो सब निर्देश हैं युक्ताहार विहारस, वास्तव में तो ये ज्ञान पथ पे चलने वाले लोगों के लिए हैं, ये भक्ति की केंद्रीय निर्देश नहीं है युक्ताहार। भक्ति के केंद्रीय निर्देश भगवान के नाम का श्रवण कीर्तन ये सब के हैं, लेकिन भक्त जो हैं ज्ञान और कर्म की भी वो निर्देश जो भक्ति के लिए अनुकूल हैं उसको वो लोग स्वीकार करते हैं। जब तक उनको इस भौतिक जगत में रहना है तब तक वो ज्ञान और कर्म को पूरी तरह से नहीं छोड़ सकते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो समझने के लिए, क्योंकि ज्ञान अर्थात मानसिक विकास, उसका एक अनुसंगिक फल है मानसिक विकास, और कर्म वो शरीर का विकास, शारीरिक देखभाल। इसलिए जब तक हमारा शरीर है स्थूल और सूक्ष्म तब तक हमें ज्ञान और कर्म को जितना वो भक्ति के लिए अनुकूल है और जितना जरूरी है उतना हमें उपयोग करने के लिए हम बाध्य हैं, हम उसको छोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन वो शुद्ध भक्ति के बाहर नहीं कहलाया जाएगा, क्योंकि उससे भक्ति आच्छादित नहीं हो रही है। जैसा कि हमने कल पढ़ा कि भक्ति की परिभाषा, शुद्ध भक्ति की, उत्तम भक्ति की परिभाषा है ज्ञान कर्मादि अनावृतम, तो उससे वो
हमारी भक्ति आवृत नहीं हो रही है, क्योंकि उसका उपयोग केवल भक्ति के लिए जितना जरूरी है उतना ही किया जा रहा है, इसलिए वो एक तरीके से शुद्ध भक्ति के बाहर की बात नहीं है। हालांकि अति उत्तम स्तर पर पहुँचने के बाद, रागानुगा भाव भक्ति के स्तर पर पहुँचने के बाद, जब भक्त देहात्म बुद्धि से पूरी तरह से बाहर निकल जाता है, तीनों गुणों से बाहर निकल जाता है, उसका भौतिक शरीर ही नहीं रहता एक तरीके से, तब फिर उसको ये ज्ञान और कर्म की तनिक भी आवश्यकता नहीं है उपयोग करने की। लेकिन आरंभिक अवस्था में, यानी कि हम सब की अवस्था में, जब तक हमारा हम शरीर है, शरीर पे हम आश्रित हैं, तब तक हमें कुछ हद तक ज्ञान और कर्म का सहारा हम लेना चाहिए, लेना पड़ेगा, लेकिन वो भक्ति के ही अंदर नियोजित होना चाहिए। तो इसीलिए हम देखते हैं कि जो भगवान ने भगवद्गीता में जो अंतिम उपदेश दिया कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि माशुचा, तो उसके अनुसार तो सर्वधर्मान परित्यज्य ज्ञान और कर्म का पूरी तरह से परित्याग करने की बात की गई है। लेकिन आरंभिक अवस्था में भक्तगण केवल उतना ज्ञान कर्म जितना भक्ति के लिए अनुकूल है उतना केवल ग्रहण करते हैं। अभी ये जो सारे विषय हैं, अत्याहार, प्रयास इत्यादि, ये सब विषयों को भक्तिवेन ठाकुर बताते हैं दो परिपेक्ष में हमें देखना चाहिए, एक गृहस्थ भक्तों के परिपेक्ष में और एक वैरागी भक्तों के परिपेक्ष में। दो परिपेक्ष में इन सभी चीज़ों का अवलोकन अवमूल्यन करना चाहिए, क्योंकि दोनों के लिए व्यावहारिक रूप में अलग अलग प्रकार से व्यवहारित होंगे। भक्तिवेन ठाकुर, ये हम उनकी वो टीका पढ़ रहे हैं ना। तो गृहस्थ भक्तों के संदर्भ में अगर देखा जाए तो ये जो अत्याहार है वो क्या है, तो गृहस्थ भक्त हैं तो उनको आवश्यक है अपने परिवारजनों का और जो उनसे उन पे आश्रित हैं या जिनके प्रति उनकी कर्तव्य है उनको पालन पोषण उनका करना, वो एक गृहस्थ भक्त की जिम्मेदारी होती है। तो इसीलिए एक गृहस्थ भक्त को आवश्यकता है कमाने की और क्या बोलते हैं उसको, धन को संचित करने की, अर्जित करने की और संचित करने की आवश्यकता है। लेकिन एक गृहस्थ भक्त जो हैं वो केवल इसीलिए धन संचित करते हैं जिससे कि वो भगवान की सेवा कर सकें उस संचित धन से, जिससे वो भक्तों की सेवा कर सकें, जिससे वो अतिथि का सत्कार कर सकें, जिससे वो अपने कुटुंबीजनों को का पालन कर सकें और जिससे अपना पालन पोषण कर सकें, जिससे कि भक्ति वो संपन्न कर पाएँ। इस भावना में, इस चेतना में ही केवल गृहस्थ भक्त धन अर्जित करते हैं और संचित करते हैं। इसके अलावा यदि और अन्य कोई उद्देश्य से धन अर्जित किया जाए या धन संचित किया जाए तो वो गृहस्थ भक्तों के लिए अत्याहार कहलाएगा। और जो वैरागी भक्त हैं उनके लिए तो संचित करना बिल्कुल भी स्वीकारणीय नहीं है, इसलिए उनके लिए तो भिक्षाटन करना है और एक दिन की जो भिक्षा से मिला उसमें संतुष्ट होना चाहिए, उसको जोड़ के रखना नहीं चाहिए कल के लिए। कई बार ब्रह्मचारी जो है फिर हम लोग को आज मिठाई बढ़िया है तो उसका एक कटोरी फिर कल के लिए, ये ब्रह्मचारी के लिए अलाउड नहीं है बिल्कुल भी। सन्यासी ब्रह्मचारी के लिए ऐसे नहीं, जो आज है आज ख़त्म, उसको स्वाद के लिए कल खाएंगे, स्वादिष्ट बहुत है आज थोड़ा और कल के लिए रखेंगे, वो नहीं होना चाहिए। सन्यासी के लिए तो स्वाद की दृष्टि से ज़्यादा खाना, क्योंकि वो स्वादिष्ट से ज़्यादा खाना, ये उसके लिए अत्याहार है, उसके लिए नियम बहुत कड़े हैं। हाँ वही मतलब ज़्यादा केवल स्वाद के लिए ज़्यादा खाना वो नहीं, केवल शरीर के लिए चाहे स्वादिष्ट है या नहीं है वो जितना शरीर के लिए ज़रूरी है केवल उतना ही खाना चाहिए, उसके अलावा वो सब अत्याहार में गिना जाएगा। तो अभी हम श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ेंगे अत्याहार के ऊपर। मनुष्य जीवन सादा जीवन तथा उच्च विचार के लिए है, पहला वचन ही बड़ा बलशाली है, मनुष्य जीवन ही सादा जीवन और उच्च विचार के लिए, और कोई प्रयोजन नहीं।
उच्च विचार के लिए है, लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहु संभवान्ते, है ना, तो नैष्कर्म्यम, तो जन्म मृत्यु के चक्र से निकलने के लिए उच्च विचार। और ये उच्च विचार के लिए क्या आवश्यक है? सादा जीवन आवश्यक है। और सादा जीवन की व्यावहारिक रूप से उसका अनुशीलन फार्म कम्युनिटीज़ में हो सकता है। इसलिए ये जो विषय है ये वर्णाश्रम से बहुत अधिक संबंधित हैं। एक्चुअली सारे के सारे जितने भी ये अनुकूल और प्रतिकूल ये सब विषय जो हैं पूरी तरह से वर्णाश्रम के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि वर्णाश्रम व्यवस्था ऐसी ही भगवान की व्यवस्था है जिसमें कि अनुकूल है भक्ति के लिए। तो इसलिए पूरा वर्णाश्रम का जो आयाम है वो ये अनुकूल प्रतिकूल का विचार है, और ये शरणागति के अंग हैं। इसलिए ये वर्णाश्रम जो है भक्ति के लिए आरंभिक वो है, एक पाए की तरह से, फाउंडेशन की तरह से। चूँकि सारे बद्ध जीव भगवान की तीसरी शक्ति के वश में हैं, अतएव यह भौतिक संसार इस तरह बनाया गया है कि जीव को कार्य करने के लिए बाध्य होना पड़े। तो विष्णु शक्ति परापरोक्ता आगे क्या अर्थ है इसका? अरे सोचो, आप तो संस्कृत जानते हो। विष्णु शक्ति परापरोक्ता क्षेत्र व्याख्या तथा परा, विष्णु की जो शक्तियां हैं, शक्ति यस, क्योंकि विष्णु की शक्ति है इसलिए वो परा है। शक्ति है? नहीं नहीं, अभी तो बीच में भी कही है। विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्र व्याख्या तथा परा, एक परा शक्ति है उनकी, वो अंतरंग है, वो भी नेचर क्वालिटी वाइज वो भी परा है। तीसरी शक्ति है जो अविद्या कर्म समज्ञाना, उसकी संज्ञा है अविद्या कर्म, अविद्या से जनित होने वाले कर्म जिसके अंतर्गत आते हैं, जैसे संचालित होते हैं। तृतीया शक्तिर ईश्यते, वो भगवान की तीसरी शक्ति कहलाती है। तो ये चीज प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये जो तीसरी शक्ति है उसके वश में सारे बद्ध जीव हैं, इसलिए उन्हें इस भौतिक संसार में जीव को कर्म करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अभी सब लोग हम क्या चाहते हैं? काम नहीं करना पड़े। सारा जो वैज्ञानिक विकास है उसका उद्देश्य क्या है? हमें कोई काम नहीं करना पड़े, केवल भोग करें, केवल एंजॉय करें, कोई काम नहीं करना पड़े। इस बात को लेकर के सारी सपने रचे जाते हैं कि धीरे धीरे हम सब ऐसी मशीनें बना लेंगे, आधुनिक विकास करेंगे, तकनीकी विकास करेंगे, जिससे फिर हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। और इसलिए आप देखिए अभी ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, अभी हाथ भी नहीं चलाना चाहते, अभी केवल माइंड के सोचने से ही मशीन्स वर्क करेंगी। जैसे आप जाइए अभी वो CCTV कैमरे लगे हुए हैं उसके ऊपर, इस क्रॉस रोड्स के ऊपर, तो आप वहाँ से अगर आपने रूल ब्रेक किया सीधा आपके घर पे ये आ जाएगा, चलान आ जाएगा, और नेक्स्ट स्टेज में तो बैंक से कट भी जाएगा। धीरे धीरे इस प्रकार से हम जा रहे हैं कि बस आप जाते जाइए, टैक्स अपने आप, टोल अपने आप कट जाएगा, या फिर जस्ट गोन, जो जहाँ कटना है सब कटता जाएगा, करेक्ट। तो ऐसे सब उनका कल्पना है कि ऐसे कंप्यूटर के अंदर, इस ब्रेन के अंदर चिप्स लगा देंगे, ऐसे प्रयास चल रहे हैं कि ब्रेन के अंदर ऐसे एक माइक्रो चिप्स लगा देंगे। तो मान लीजिए किसी को कुंग फू सीखना है, तो कुंग फू का चिप्स लगा दिया तो चिप्स लगाते ही कुंग फू आ जाएगा, सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब खेती सीखना है तो खेती का चिप्स लगा देंगे, सीधा खेती आ जाएंगे। तो ये प्रयास है कि हमें कुछ करना नहीं पड़े, सब कुछ अपने आप हो जाए, सब कुछ अपने आप। लेकिन समस्या इसमें यह है कि उनको जानकारी नहीं है कि ये जो भौतिक जगत में उसमें संभव नहीं है, इसके लिए आपको आध्यात्मिक जगत में जाना पड़ेगा। ये इच्छा क्यों है? क्योंकि हम वास्तव में आध्यात्मिक जगत के वासी हैं और वहाँ पर ऐसा ही है, वहाँ पर कल्पतरु हैं, कुछ करना नहीं पड़ता है, सब कुछ अपने आप मिल जाता है। लेकिन हम वो चीज़ यहाँ चाहते हैं और यहाँ संभव नहीं है, इसलिए उसको हम लोग विज्ञान से प्रयास कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार से प्रयास कर रहे हैं। लेकिन परिणाम क्या होता है? प्रभुपाद क्या बोलते हैं? द मोर वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लॉइट मदर नेचर, द मोर वी आर गेटिंग एंटेंगल्ड इन टू इट्स कॉम्प्लेक्सिटीज़। जितना हम ये प्रकृति के ऊपर
अपनी जबरदस्ती अपना शोषण करना चाहते हैं, उतना ही हम इसके फंदे में फंसते जाते हैं, है ना। तो ये हो रहा है। इसलिए जब श्रील प्रभुपाद एक बार एक फार्म कम्युनिटी से आए तो एड्रेस कर रहे थे भक्तों को, तो प्रभुपाद बोले मैं वो फार्म से आ रहा हूँ, दे आर नाउ प्रोड्यूसिंग देयर फूड एंड मिल्क एंड ग्रो एंड मेकिंग देयर क्लोथ्स, सो दे हैव सोल्ड ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ, ऑल अदर प्रॉब्लम्स आर मैन मेड। ये इस भौतिक जगत की वास्तविक समस्याएं हैं कि हमें शरीर के निर्वाह के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और यही केवल एक समस्या है। बाकी ट्रैफिक जाम की समस्या, कैंसर की समस्या या डाइवोर्स की समस्या, ये सब समस्या हमारे द्वारा बनाई गई है। भगवान के द्वारा तो एक ही समस्या बनाई गई है, केवल ये शरीर को कैसे मेंटेन करें, वो भी भगवान के द्वारा नहीं बनाई गई, अल्टीमेटली तो हमारे द्वारा बनाई। कृष्णा भूलिया जीव भोगवांछा करे पाशेते माया तारे झपटिया धरे, हम भगवान को भूले इसलिए हुआ। लेकिन फिर भी भगवान ने केवल यही समस्या दी थी, बस आपको काम करना पड़ेगा, और उसके लिए भगवान ने कितना आयोजन करके दिया, यज्ञ विधि दी, अन्नाद भवंती भूतानी पर्जन्यादन संभव, कितना सारा पूरा चक्र पूरा सिस्टम बना के दिया, बहुत सरल करके दिया कि जीवन का शरीर का मेंटेनेंस बहुत सरल है, है ना। जमीन बनाई है, वायु है, सूर्य प्रकाश है, बीज हैं, केवल बीज को डालना है, थोड़ा सा खोद करके बीज को डालना है, फिर थोड़ा सा मिट्टी ढकनी है, फिर थोड़ा सा पानी डालना है, फिर जाके सो जाना है, फिर थोड़ा सा अंकुरित होगा उसके बाद के थोड़ा सा डालना है, फिर रेस्ट लेना है, ऐसे करके थोड़ा थोड़ा काम करना है। आपको ऐसा नहीं कि पूरा 24 घंटे वहीं उसको पूरा एक एक करके पौधे को बड़ा करना है, वो तो अपना बड़ा होता है, हमको तो केवल उसको सुपरविजन करना है, थोड़ा सा काम करना है, है ना। लेकिन हम लोग वो थोड़ा काम करने में संतुष्ट नहीं हैं, मतलब आप लोग हंसोगे थोड़ा काम कहाँ है, इसलिए हंस रहे हैं आप लोग। लेकिन आप सोचिए अगर ये भगवान व्यवस्था नहीं करता तो कितना बड़ा काम करना पड़ता आपको, ये सोचिए। जैसे मैं सोच रहा था कि हमने मंदिर की प्लिंथ ऊंची की केवल 3 फुट, उसमें हमारी कमर टूट गई। भगवान इतने ऊँचे ऊँचे पहाड़ बनाए थे, इतना फिलिंग कर देते हैं 1 सेकंड के अंदर, हमको छोटी सी 1-2 फीट की फिलिंग करने में हम लोग परेशान हो जाते हैं। इसलिए भगवान की व्यवस्था के बिना आप सोचिए, बीज अगर हमको बनाने को बोलते भगवान तो हमारी क्या हालत होती। अभी हम लोग वो हाइब्रिड बना रहे हैं और वो GMO सीड बना रहे हैं, उसके वजह से एक बनाने गए तो क्या हमने कितने उसके दुष्परिणाम हम भुगत रहे हैं, है ना। आर्टिफिशियल रेनफॉल, है ना, मतलब उससे समस्या कम ख़त्म होती है, नई समस्याएं ज़्यादा खड़ी होती हैं, है ना। तो इसलिए ये सब आयोजन भगवान ने किया है, लेकिन इस भौतिक जगत में आए तो दंड तो है ही कि ये शरीर मिला है और शरीर की देखभाल के लिए कर्म करना ही पड़ेगा, इसका कोई अवॉइड नहीं कर सकते। भगवान की 3 मूल शक्तियाँ हैं, पहली शक्ति अंतरंग शक्ति कहलाती है, दूसरी तटस्थ शक्ति है और तीसरी बहिरंग शक्ति है। सारे जीव तटस्थ शक्ति के अंतर्गत हैं और वे अंतरंग तथा बहिरंग शक्तियों के मध्य स्थित होते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के नित्य दास के रूप में अधीन होने के कारण जीवात्माओं अर्थात सूक्ष्म जीवों को या तो अंतरंग शक्ति के वश में या बहिरंग शक्ति के वश में रहना होता है। जब वे अंतरंग शक्ति के वश में होते हैं तब वे अपनी प्राकृतिक वैधानिक सक्रियता प्रदर्शित करते हैं, अर्थात भगवान की भक्ति में सेवा में निरंतर व्यस्तता प्रदर्शित करते हैं। इसे भगवद्गीता 1:13 में बताया गया, महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृति माश्रिताः भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञाता भूतादि अव्ययम्। इसका अर्थ तो सबको पता है ना, किसी को है नहीं पता है, आवश्यकता है नहीं। तो अभी प्रभुपाद समझा रहे हैं 3 शक्तियों को, क्योंकि आरंभ कहाँ से हुआ, कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा क्योंकि हम 3री शक्ति में, तो उसके साथ साथ पहली शक्ति और दूसरी शक्ति का भी थोड़ा विवरण दे रहे हैं। महात्मा शब्द उनको सूचित करता है जो विशाल हृदय वाले हैं, न कि संकुचित हृदय वालों को। सदैव अपनी इंद्रियों की तृप्ति में लगे रहने वाले संकुचित हृदय वाले व्यक्ति कभी कभी अपने कार्यों का विस्तार इसलिए कर लेते हैं कि वे राष्ट्रवाद, मानवतावाद या परोपकारवाद जैसे किसी वाद के माध्यम से अन्यों की भलाई कर सकें। वे अन्यों की इंद्रिय तृप्ति के लिए अपनी खुद की इंद्रिय तृप्ति का परित्याग कर सकते हैं, जैसे कि अपने परिवार, जाति या समाज के सदस्यों के लिए, और वह भी राष्ट्रीय या तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। वास्तव में ये सब विस्तीर्ण इंद्रिय तृप्ति ही है, एक्सपेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन, जो व्यक्तिगत से जातिगत तथा जातिगत से समाजगत हो सकती है। ये सब भौतिक दृष्टि से भले ही बहुत अच्छा लगे, लेकिन ऐसे कार्य का कोई आध्यात्मिक महत्व नहीं होता। ऐसे कार्य का आधार इंद्रिय तृप्ति है, चाहे वह व्यक्तिगत हो या विस्तीर्ण। जब मनुष्य परम भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करता है, केवल तभी उसे महात्मा अर्थात विशाल हृदय वाला व्यक्ति कहा जाना चाहिए। तो यह प्रभुपाद समझा रहे हैं कि जो पहली शक्ति है
उसके अंतर्गत जब हम होंगे या जो लोग हैं उनके लक्षण क्या होते हैं, क्योंकि तीनों शक्तियों को समझा रहे हैं। तो तीसरी शक्ति में क्या होता है अंतर और पहली शक्ति में क्या अंतर होता है? तो पहली शक्ति में जो कार्य करते हैं वो महात्मा होते हैं। फिर बता रहे हैं कि दुरात्मा को महात्मा मत समझना, तो बता रहे हैं अंतर क्या है दुरात्मा में और महात्मा में। भगवद्गीता से उद्धृत उपयुक्त उपर्युक्त श्लोक में दैवी प्रकृतिम शब्द पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अंतरंगा शक्ति या आह्लादिनी शक्ति के नियंत्रण को बताता है। यह आह्लादिनी शक्ति श्रीमती राधा रानी के रूप में या उनके अंश लक्ष्मी के रूप में प्रकट होती है। जब व्यक्तिगत जीवात्मा अंतरंगा शक्ति के नियंत्रण में होते हैं तो उनका एकमात्र कार्य कृष्ण या विष्णु की तुष्टि होती है। यही महात्मा की स्थिति है। यदि कोई महात्मा नहीं होता तो वह दुरात्मा या संकुचित हृदय वाला व्यक्ति होता है। ऐसे मानसिक रूप से पंगु दुरात्माओं को भगवान की बहिरंगा शक्ति महामाया के नियंत्रण में रखा जाता है। तो इसलिए अभी वापस आते हैं महामाया के ऊपर, बहिरंगा शक्ति जिसकी बात शुरू हुई थी। निस्संदेह इस भौतिक जगत के सारे जीव महामाया के वश में हैं, जिसका कार्य उन्हें त्रिविध तापों के अधीन रखना है। तो इसलिए ये जो तीसरी शक्ति है उसमें आने के कारण क्या होता है, त्रिविध ताप, तीन तापों को झेलना ही पड़ता है, वो उसको ताप देती है तीसरी शक्ति। ये ताप हैं कौन कौन से, अधिदैविक, आध्यात्मिक और आधिभौतिक। कौन बताएंगे क्या क्या इसका अर्थ है संक्षेप में? और शारीरिक में मन वाले भी आ गए। हाँ, उन्होंने क्या बोला, आध्यात्मिक शरीर और मन से, आदि भौतिक मन दूसरों से। ओके, बद्ध जीवों के समक्ष मुख्य समस्या है कौन कौन सी हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। एक वो है ना भक्ति मार्ग महाराज, तो उनकी क्लास में कोई सो नहीं सकता क्योंकि सबको परपट पढ़ना पड़ता है बिना देखे। वो एक्शन करते हैं और लोग परपट पढ़ते हैं। मैं बताया था आपको इसका, जैसे शब्द आया सोसाइटी तो कुछ सोच के लिए कुछ करेंगे और टी के लिए ऐसे चाय पीने वाला इशारा करेंगे तो सब लोग बोलेंगे टी। ऐसे हर एक चीज़ का वो एक्शन करते हैं और उससे लोग जो है परपट पढ़ते हैं बिना बुक को देखे हुए। वो ड्रामा ये करने में वो एक्सपर्ट हैं, तो उनके क्लास भी ड्रामा हो जाती है पूरी। सब लोग ड्रामा करते हैं क्लास में। भौतिक जगत में मनुष्य को शरीर तथा आत्मा के पालन हेतु कार्य करना होता है। मुझे थोड़ा बीच में ऐसा बोलना पड़ता है, जगह रहे सब। भौतिक जगत में मनुष्य को शरीर तथा आत्मा के पालन हेतु कार्य करना होता है। तो देखिए प्रभुपाद वही अभी समझा रहे हैं, अत्याहार, हार, आहार और अत्याहार, एक्सेस किसको कहेंगे? तो कुछ तो आवश्यकता है, लेकिन आवश्यकता से अधिक वो जो है वो एक्सेस हो जाता है। लेकिन वह ऐसे कार्य को किस तरह करे जिससे वह कृष्ण भावनामृत संपन्न करने के लिए अनुकूल रहें, ये प्रश्न है। तो कुछ ना कुछ तो जरूरी है हमें कार्य करना, लेकिन कैसे करें जिससे कि कृष्ण भक्ति के लिए वो अनुकूल हो, ये प्रश्न है। इसका उत्तर है अत्याहार नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति को अन्न, वस्त्र, धन तथा शरीर के पालन हेतु अन्य जरूरी वस्तुओं की आवश्यकता होती है, लेकिन उसे अपनी वास्तविक मूल आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करना चाहिए। यदि इस प्राकृतिक नियम का पालन किया जाए तो शरीर के पालन में कोई कठिनाई नहीं होगी। ये इतना बड़ा वाक्य है, इसका कितना गहरा अर्थ है। यदि समाजवादी अर्थशास्त्रवादी, इकोनॉमिस्ट्स, अर्थशास्त्रवादी, अर्थशास्त्री, ये लोग अगर इस एक वाक्य के ऊपर मनन करें तो बहुत सारा उनको उनकी समस्याएं और उनके द्वारा जनित समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। कि अगर केवल इस प्राकृतिक नियम का पालन किया जाए, ये प्राकृतिक नेचुरल है, ये प्राकृतिक नियम है, क्या कि केवल आधारभूत आवश्यकताओं के लिए हम प्रयास करें, वही हमारी वास्तविक आवश्यकताएं हैं,
अगर केवल ऐसा करेंगे तो शरीर का निर्वाह आसानी से होगा। आजकल शरीर का निर्वाह करना बड़ा मुश्किल है, इसलिए हमारी लीडर्स मीटिंग में एक टॉपिक है, भक्तों का लोन से जनित समस्याएं और इकोनॉमिक क्राइसिस, इसके लिए क्या किया जाए। जैसे होता है ना, जब देश में कुछ बड़ी समस्या आती है तो पार्लियामेंट में उठती है, तो ऐसे ही हमारे समूह में समस्याएं उठती है तो वहाँ जाके लीडर्स मीटिंग में उसकी आवाज़ गूंजती है फिर। तो क्योंकि महाराज के पास ऐसे अक्सर भक्त लोग जाते हैं, महाराज जॉब छूट गया, ये समस्या आ गई। बहुत लोग हमारे साथ, हम जब कंसल्टेशन कर रहे हैं, मतलब काउंसलिंग कुछ करते हैं भक्तों को, तो बहुत ऐसे केस आते हैं, समस्या, आर्थिक समस्या, बहुत लोगों के साथ बड़ी आर्थिक समस्या है, लोन पे करने के लिए समस्या। अभी देखो ये इंजीनियरिंग पढ़ गए, कितने का लोन आपके ऊपर हैं? 2 लाख। मतलब अभी तो जन्म लोन लेकर के ही जन्मों का, जन्म से ही सीधा लोन लेकर के, क्योंकि अभी डॉक्टर के पास जाएंगे कितना है, कम से कम सिजेरियन समथिंग लाइक 20,000। नो अराउंड 60 to 70, 1 lakh इट गोज समथिंग। हैदराबाद में? हाँ, हैदराबाद सिटीज में 1 lakh, अबाव 1 lakh। अच्छा, ठीक है, डिपेंड्स ऑन, या 15-20 हज़ार, डिपेंड्स ऑन सिटी वेयर यू आर, क्योंकि ज़्यादा कमाएंगे ज़्यादा खर्च कभी करेंगे। सो तो अभी तो जन्म लेने के लिए भी लोन लेना पड़ेगा, मतलब संतान उत्पत्ति करने के लिए लोन लेना पड़ेगा, ऐसी स्थिति आ जाएगी। तो बच्चा जब जन्म लेगा तो लोन के साथ में जन्म लेगा ऋण, क्योंकि पिता का ऋण मतलब उसका ऋण, तो ये स्थिति आ जाएगी। तो सब लोग जो है ऋण लेते हैं, तो बहुत बड़ी आर्थिक समस्या ही सबके सामने है। बहुत प्रकार के लोन हैं, एजुकेशन लोन है, अभी बर्थ लोन शुरू नहीं हुआ, मतलब एजुकेशन लोन है, उसके बाद फिर कार लोन है, हाउस लोन है, सो मेनी टाइप्स ऑफ लोन्स। और फिर वो जो हमारी इनकम थी किसी तरह से वो कम हो जाए तो उसका ईएमआई देने के लिए मुश्किल हो जाती है, करेक्ट। बहुत सारी समस्याएं हैं। तो जैसे एक भक्त गए महाराज के पास, बोले महाराज ये लोन इतना सारा चढ़ गया है, मैं क्या करूं? तो माँ बोले आपने लोन लेने से पहले मुझसे पूछा था? जब समस्या बन गई तब मेरे पास आ रहे हो, लेकिन लेने से पहले नहीं पूछा आपने कि क्या लेना है कि नहीं लेना है। प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार, तो यह इम्पोर्टेंट पॉइंट, तो यदि हम केवल शरीर के प्राकृतिक नियम का पालन करेंगे कि जितनी वास्तविक मूल आवश्यकताएं केवल उन्हीं के लिए प्रयास करेंगे, तो वास्तव में ये सारी जो शरीर को पालन करने संबंधी समस्याएं ये तभी हल होंगी, और अन्यथा हल नहीं होंगी। नहीं तो कुछ समय के लगेगा हल हो गई, या कुछ लोगों के लगेगा हल हो गई, लेकिन वो ऐसे लोग हैं या तो दूसरे का शोषण कर रहे हैं, या तो वो कुछ समय के लिए है, हो सकता है एक जनरेशन के लिए भी रहे, ऐसा भी हो सकता है। जैसे अमेरिका एक समय था तो बहुत फल फूल रहा था, तो हो सकता है एक जनरेशन उसमें निकल गई हो, लेकिन फिर नेक्स्ट जनरेशन का क्या? हाँ, रोटी कपड़ा मकान, वो ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत सारा उसमें कंट्रोल हो गया, काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गया उसमें, अगर रोटी कपड़ा मकान की बात करें तो बहुत हद तक कंट्रोल हो गया। और फिर तो हमारे को जब समझना है कि जीवन का उद्देश्य जो है वो पूरी तरह से इंद्रिय भोग से बाहर निकलना है, तो उसके अंदर तो फिर जितना हम कर सके उतना अच्छा, इसलिए लाइट हाउस वो है जिससे हमारी डायरेक्शन आई, हम जितना इसको कम से कर सके उतना अच्छा, उतना अच्छा नहीं कि अच्छा ये नियम कम से कम की परिभाषा को मैं एक फिक्स कर देता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा करके, जिससे कि मैं एक जस्टिफाई फील कर सकूँ, यस आई एम सेफ। तो ये कोई गवर्नमेंट जॉब में पागल बनाने के लिए कोई फॉर्म रख दिया उस तरह से नहीं है, ये एक हमारे हृदय के बात है, तो इसलिए इसको कुछ जरूरी नहीं है कि इसको फॉर्मलाइज किया जाए एग्जैक्टली ये है परिभाषा, उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये तो हमें खुद अपने आप करने की चीज़ है समझते हुए इसका सिद्धांत, इसलिए उसके लिए गाइडलाइंस दी हैं, बाकी आप जितना कम कर सके उतना आपके लिए अच्छा। सो दैट इज द आंसर, सो डेफिनेशन इज इन योर हार्ट। वो लिमिटेड नहीं है, जितना उनका आवश्यकता है
क्योंकि उसके अंदर, हाँ हाँ क्योंकि वो उसके अंदर इंक्लूडेड है। जैसे हमने बताया ना, गृहस्थ को किस लिए धन अर्जित करना है, सेव करना है, भगवान की सेवा के लिए, अतिथि सत्कार के लिए, भक्तों के सेवा के लिए, तो वो सब वैश्य नहीं, हाँ विशेष रूप से वैश्य कहेंगे, वैश्य विशेष रूप से दान या क्षत्रिय भी आएंगे इसके अंदर। लेकिन अगर अनावश्यक आवश्यकताएं नहीं हैं अतिथियों की, जिन भक्तों की हम सेवा कर रहे हैं उनकी, तो भी ये अपने आप बहुत कंट्रोल हो जाएगा। यानी अगर पूरी सोसाइटी उस प्रकार से ऑर्गेनाइज्ड है तो फिर हम दान देंगे किस चीज़ का दान देंगे, अतिथि आए हम किस चीज़ को, क्या अच्छे से खाओ, उतना ही होगा ना। ऐसा नहीं होगा कि मुझे अभी बर्थडे पे कार गिफ्ट करनी है मर्सिडीज़ अपने बच्चे को, करेक्ट। तो जहाँ पर पूरा समाज जो है वो सिंपल लाइफ की तरफ आएगा, वहाँ पर ये सब चीज़ें अपने आप सिंप्लीफाइड हो जाएंगी। बहुत आजकल तो ऐसे होता है ना, जैसे वो अंबानी ने अपनी पत्नी को जेट एयरप्लेन दिया था मैरिज सेरेमनी में, करेक्ट। ये लोग सब पुष्पक विमान में उड़ने का प्रयास करते हैं बिना देवता बने हुए। प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार विकास की सीढ़ी में निम्न स्थान पर स्थित जीव न तो आवश्यकता से अधिक खाते हैं न संग्रह करते हैं। फलतः पशु जगत में सामान्यतया न कोई आर्थिक समस्या उठती है न आवश्यक वस्तुओं का अभाव रहता है। प्रभु उदाहरण दे रहे हैं कि जानवरों का, उनसे हमको सीखना चाहिए। मैनेजमेंट गुरु हमारे ये होने चाहिए जानवर, न कि MBA किए हुए लोग। फिलिप कॉटलर बहुत बड़ा मैनेजमेंट गुरु। अच्छा, क्या कहता है? अच्छा अच्छा, तो उसको आप बताइए, सिखाइएगा। तो पशु जगत में समस्या नहीं उठती है, बहुत विचारणीय बात है। देखिए, वहाँ कोई आर्थिक समस्या नहीं है और ना किसी चीज़ का अभाव है। अगर जानवरों को उनके नेचुरल उसमें छोड़ दिया जाए जंगल में, जहाँ पर आदमी का इंटरफेरेंस नहीं हो, तो वहाँ पर कोई अभाव भी नहीं है और कोई आर्थिक समस्या नहीं है, बिना MBA किए हुए। वो 4 P's के बारे में सिखाते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। तो उसको बोलो जानवर से एक्सी को पहले तुम पी पशु एक और ऐड करो। यदि किसी सार्वजनिक स्थान पर एक बोरा चावल रख दिया जाए तो चिड़िया आकर कुछ दाने चुगेगी और चली जाएगी। लेकिन मनुष्य तो पूरा बोरा उठा के ले जाएगा, उसके पेट में जितना जाएगा उतना वह खाएगा और जो बचेगा उसे भंडार में रख देगा। शास्त्रों के अनुसार इस प्रकार से अधिक का संग्रह अत्याहार वर्जित है। इस समय सारा विश्व इसी के कारण कष्ट उठा रहा है। प्रभुपाद का ये ऑब्जर्वेशन है कि सारा विश्व इसलिए परेशानी उठा रहा है अत्याहार की वजह से। तो आप देखिए, अमेरिका और सऊदी अरेबिया, यानी कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं डेवलप्ड, एंड सऊदी अरेबिया जो पूरा मिडल ईस्ट है, उसमें जो पूरी टेंशन है, उसका मूल कारण क्या है? अत्याहार, अत्याहार, करेक्ट। तो ऐसे आप अगर अवलोकन करेंगे तो सब ज़्यादातर समस्याओं का मूल ही अत्याहार है, क्योंकि ये ट्रेनिंग नहीं है। अभी हम लोग भी सब बात कर रहे हैं ग्रीन अर्थ, ऑर्गेनिक फार्मिंग, लेकिन जब तक अत्याहार नहीं छोड़ेंगे तब तक ये ऑर्गेनिक फार्मिंग मूवमेंट हो या ग्रीन मूवमेंट हो, वो कहीं ना कहीं आकर के उसमें समस्याएं आएंगी, क्योंकि मूल समस्या अत्याहार की, आवश्यकता से अधिक हमको जोड़ना है ना। तो इसलिए अभी वो लोग अमेरिका में क्या किए कि भाई अब देखो, पता लगा कि ये ज़मीन से ऑयल निकालेंगे तो ऑयल तो कम है तो दिक्कत हो जाएगी, तो अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज निकालना शुरू किए। तो उसमें से एक क्या निकाले, पौधों से पेट्रोल क्रिएट करना, ये उनकी बुद्धि में घुसा। तो अभी ऑलरेडी खाने के लाले पड़े हुए हैं, अभी खाने की ज़मीन को, पौधों के लिए जो ज़मीन है उससे अगर पेट्रोल निकालना शुरू करेंगे तो फिर पेट्रोल ही खाना पड़ेगा और कुछ तो नहीं मिलेगा फिर। कितनी सारी ज़मीन अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के अंदर एथनॉल, हाँ, उसको प्रोड्यूस करने, बायो पेट्रोल बोलते हैं उसको, उसको प्रोड्यूस करने में जा रही है।
ये बड़ी बड़ी मूर्खता है। मतलब वो ये ऐलान नहीं कर सकते कि हम अपनी आधारभूत आवश्यकताओं में सीमित रहें, ये है हमने जो सीखा, क्योंकि वो ऐसी चीज़ सीखेंगे ही नहीं, है ना। हाँ, पेट्रोल की प्रॉब्लम है, एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम है, चलो कुछ और फाइंड करेंगे। जैसे अभी हम आ रहे थे वहाँ पदयात्रा में जा रहे थे, तो हम एक पहाड़ आया, तो हम पहाड़ के ऊपर चढ़ गए, मतलब रास्ता था, तो नीचे जो है कई एकड़ों में, कम से कम भी कितना होगा, कुछ 50-60 एकड़ में सोलर पैनल लगे हुए हैं सब जगह। तो अभी ये तो कितनी सारी ज़मीन अभी सोलर पैनल में जाएगी, जस्ट हमारी अनावश्यक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जाएगी। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं तो विंड मिल्स होती हैं, तो विंड मिल लगाते हैं तो बादल भाग जाते हैं, उससे भी नई समस्या खड़ी हुई है कि विंड मिल लगाया तो बिजली मिली लेकिन बादल चले गए। ऐसे कुछ ना कुछ ये करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ समस्या क्रिएट करेंगे, क्योंकि ये लोग ये मतिर न कृष्णे परतो सतो वा मिथो विपद्येत गृह वतान मदांत गोभिर विषांत मिश्रम पुनः पुनश्चरित च, कि भाई कम खाओ ना, जितना जरूरी है उतना खाओ ना, वो नहीं स्वीकार करेंगे, भोग करना है, ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं वैसे, ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, तो उससे समस्याएं सॉल्व नहीं होंगी, बढ़ेंगी केवल। आवश्यकता से अधिक संग्रह करने और खाने के प्रयास अर्थात अनावश्यक उद्यम को जन्म देता है। ओके, अभी अगला जो विषय है वो है प्रयास। अभी अत्याहार के विषय में कोई किसी का प्रश्न है? प्रयास, तो पहले इसमें पीयूष वर्षिणी टीका और भक्त्यालोक इनसे पढ़ेंगे। तो जो क्रियाएं, हरे कृष्णा, जो क्रियाएं, हरे कृष्णा, जो क्रियाएं भक्ति के विरुद्ध हैं या जो इंद्रिय भोग के लिए संपन्न की जाती हैं उसको प्रयास कहते हैं। तो वास्तव में जो भक्ति सेवा है वही जीव का स्वाभाविक कार्य है, स्वाभाविक प्रयास है, मूलभूत संवैधानिक। और जो जीव की संवैधानिक स्थिति है उसमें प्रयास का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि प्रयास का अर्थ है भौतिक क्रियाएं, इंद्रिय भोग के लिए की जाने वाली क्रियाएं। तो जीव की संवैधानिक स्थिति यानी आध्यात्मिक जगत, वहाँ पर कोई प्रयास का कोई स्थान नहीं है। लेकिन जब हम बद्ध अवस्था में होते हैं, यानी कि जब हमारा शरीर है, तब हमें थोड़ा सा प्रयास करना होता है। किसके लिए? भक्ति को अनुशीलन करने के लिए, भक्ति सेवा को संपन्न करने के लिए। जब हम इस भौतिक जगत में रह करके उसका अनुशीलन करते हैं तो हमें कुछ मात्रा में प्रयास करने की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि वही बात, शरीर की देखभाल करने के लिए कुछ हमें भौतिक क्रियाएँ करनी पड़ती हैं। इस थोड़े से प्रयास के अलावा जो भी कुछ कार्य किया जाए वो सब वर्जित है, वो सब इस प्रयास की परिभाषा में आता है। ये जो प्रयास हैं, भक्तिवेदांत ठाकुर बताते हैं, दो स्तर पे होते हैं, एक ज्ञान प्रयास और एक कर्म प्रयास। तो ज्ञान का प्रयास क्या है? निराकार ब्रह्म में लीन होने से संबंधित ज्ञान अर्जित करना, वो ज्ञान प्रयास कहलाता है, उससे भक्ति में रुकावट आती है। इसके विषय में ब्रह्मा जी क्या कहते हैं इस प्रयास के, ज्ञान प्रयास के विषय में, दशम स्कंद में, ज्ञाने प्रयास नहीं, ज्ञाने प्रयास उदपस्य नमंत एव जीवन्ति सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम स्थाने स्थित श्रुतिगताम अनुवाक मनोभिर अजितो अजित क्या है ये प्रायश अजितो भी जितो असित त्रैलोक्यम। तो ज्ञान के प्रयासों को छोड़ना, तो इसलिए ज्ञान प्रयास, ज्ञान के प्रयासों को छोड़ना मतलब निराकार ब्रह्म के प्रयासों को छोड़ना। ज्ञाने प्रयास उदपस्य छोड़ करके नमंत एव, जो लोग ज्ञान के प्रयासों को छोड़कर आपके सामने विनम्रता से प्रणाम करते हैं, जीवंती सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम, और कैसे जीवन बिताते हैं, सन्मुखरिदाम सतमुख भगवत भक्तों से भवदीय वार्ताम, आपकी वार्ता आपकी लीलाओं का श्रवण करने में जीवन बिताते हैं, स्थाने स्थित जो भी उनकी वर्णाश्रम की स्थिति है उसमें स्थित रह करके, श्रुति गताम सुनते हैं, अपने कानों को लगाते हैं, तनु वांग मनोभिर, हाँ,
तो अपने शरीर मन और वाणी से आपकी सेवा करते हैं, ये प्रायशः अजित, उनके लिए क्या होता है, जो प्राय अजित हैं, भगवान अजित हैं, वो जीत लिए जाते हैं ऐसे भक्तों के द्वारा। फिर इसी बारे में ब्रह्मा जी आए कहते हैं, श्रेय श्रुतिम भक्तिम उदस्य ते विभो क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्धये। जो केवल ज्ञान अर्जित करने के लिए, निराकार ब्रह्म का ज्ञान अर्जित करने के लिए जो वेदाध्ययन करते हैं, वो उनकी तुलना किस चीज़ से की गई है? फार्मर्स, सारे उदाहरण तो यहीं से मिलेंगे, फार्मिंग से ही। हाँ, जो धान जिसमें कुछ दाना नहीं है उसको पीटने से। एक बार करमुंद्री में हमने धान उगाया तो बहुत बढ़िया धान हुआ, लहलाता हुआ, बड़ा बढ़िया सा वो भी आया, क्या बोलते हैं उसको, कनकी, वो जो टॉप। तो हम सब लोग बड़े खुश थे, बहुत बढ़िया धान हुआ। फिर जब उसको निकालने गए तो उसमें से कुछ निकला नहीं, खाली था अंदर से। अभी ये उदाहरण जो है कोई समझेगा नहीं जब तक वो खेती नहीं किया होगा, उसे क्या पता है खाली धान क्यों कूटेगा, कोई बोलेगा खाली धान का कूटने का मतलब क्या है, क्योंकि बीमारी लग जाती है, वो बीमारी लग जाती है तो धान पूरा होता है, दिखता ऐसे ही है लेकिन अंदर से खाली होता है वो। उसी प्रकार भगवद्गीता में भगवान क्या कहते हैं इस ज्ञान प्रयास के विषय में, अर्जुन 12वें अध्याय में पूछते हैं ना कुछ इसके विषय में, हाँ, क्लेशो अधिकतरस्तेषाम अव्यक्ता आसक्त चेतसाम अव्यक्ता ही दुखिर देहवद्भिर वाप्यते। तो भगवान कहते हैं, अर्जुन पूछते हैं कि एवं सतद्युक्ता ये भक्तास्त्वाम पर्युपासते ये त्वक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमा, कि दोनों में से कौन ज़्यादा युक्त हैं आपसे, वो जो आप में साक्षात जो आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, जो आप में अपने चित्त को लगाते हैं या जो निराकार ब्रह्म में चित्त को लगाते हैं। तो फिर भगवान बताते हैं, मई आवेश्य मनो ये माम नित्य युक्त उपासते श्रद्धावान भजते यो मान समय युक्त तुमो मता, कि जो श्रद्धा रूप से मेरे में मेरा भजन करते हैं वो अधिक मुझ में युक्त हैं। हालांकि जो अन्य लोग अव्यक्त की उपासना करते हैं वो भी अंततः मेरे पास पहुँचते हैं, लेकिन उनका मार्ग जो है क्लेशो अधिकतरस्तेषाम, उनका बड़ा ही दुख भरा मार्ग होता है। तो ये है ज्ञान प्रयास। लेकिन जो भगवान अचिंत्य भेद अभेद तत्व को जो जानने वाला ज्ञान है वो प्रयास नहीं है, वो सही ज्ञान है, वो स्वाभाविक है। अचिंत्य भेद अभेद जो चतुर श्लोकी भागवतम, ये पूरा भागवतम है, वो जो ज्ञान प्राप्त करना है वो प्रयास नहीं है। तो ऐसा नहीं कोई व्यक्ति अगर भागवतम सही प्रकार से समझने का प्रयास कर रहा है तो हम कहेंगे ये ज्ञान का प्रयास है। कोई बहुत ज़्यादा, जैसे कई लोग हैं, हम भगवद्गीता का प्रवचन देते हैं, भगवद्गीता का के ऊपर चर्चा करते हैं तो बोले ये ज्ञानी भक्त हैं, ये लोग ज्ञानी हैं। तो समझना चाहिए जब ज्ञान की बात हो रही है तो निराकार को जानने के प्रयास को ज्ञान प्रयास कहते हैं, ना कि संबंध ज्ञान, अभिधेय ज्ञान, प्रयोजन ज्ञान को प्राप्त करने के को ज्ञान प्रयास कहते हैं। फिर दूसरा है कर्म प्रयास। तो कर्म प्रयास के बारे में भागवतम में क्या कहा गया है, धर्म सुनिश्चिता पुंस विश्वक्सेन कथा सुय नोत्पादेद यतिरतिम श्रम एव ही केवलम। तो क्योंकि धर्म सामान्य रूप से जो धर्म है, सामान्य ऑर्डिनरी धर्म, वो है कर्म मार्ग, वर्णाश्रम, सामान्य वर्णाश्रम। तो अगर कोई भगवान की भक्ति सेवा के लिए वो वर्णाश्रम का अनुशीलन नहीं करे, भगवान की विचारधारा से रहित होकर के वर्णाश्रम पालन करे, तो उसको क्या कहा गया है, श्रम एव ही केवलम, यूजलेस लेबर, वो है कर्म प्रयास। श्रम एव ही केवलम, यूजलेस लेबर, है ना। लेकिन जब भक्तगण वर्णाश्रम के सिद्धांतों का अनुशीलन करते हैं केवल उतना, और केवल उस प्रकार से जो कि भक्ति के लिए अनुकूल हो, उसको कर्म प्रयास नहीं कहेंगे, वो भक्ति के अंतर्गत गिना जाएगा। तो उसी प्रकार से अन्य और कौन कौन सी प्रकार हैं प्रयास के, व्यर्थ के काम के, तीर्थ यात्राओं का भ्रमण करना वो भी प्रयास है। कौन से श्लोक में कहा गया है, हाँ, यस्यात्मबुद्धि गुणपेति धातु के सधिकलत्रादिषु बहुमैज्यधि यत् तीर्थ बुद्धि सलिले न करहिचित जनेषु अभिज्ञेषु सैव गोखरा। तो जो देहात्म बुद्धि में केवल अपने कर्म फलों, पाप कर्म फलों को धोने के लिए केवल जो
तीर्थ स्थानों की यात्रा करने बड़ा भारी भरकम प्रयास जो कार्य करते हैं वो प्रयास है, वेस्ट यूजलेस लेबर है वो। तो आप देखिए अभी बहुत लोग जाते हैं ना, सब अलग अलग जगह जाते हैं, जैसे जो कलकत्ता वाले लोग हैं वो लोग उधर प्रयाग जाते हैं गंगा नदी में स्नान करने के लिए, हुगली नदी में वहाँ स्नान नहीं करेंगे, वो वहाँ जाएंगे दूर, क्योंकि कुछ लगना चाहिए कि हमने कुछ किया, कुछ दूर कुछ पैसा खर्च किया, कुछ श्रम लिया, कुछ पसीने बहाया, तब जा कर के उनको संतुष्टि होती है हमने कुछ किया है। लॉन्ग ड्राइव अभी तो ड्राइव, हाँ ड्राइव भी कुछ करते होंगे। ओके, उसी प्रकार से हाँ, लेकिन अगर कोई तीर्थ स्थानों में जा रहा है इस लोभ से कि मुझे वहाँ पर भगवत भक्तों का संग मिलेगा और उन भगवत भक्तों के संग में मैं भगवान के नाम का श्रवण कीर्तन कर सकूँ, जैसे अभी हम लोग द्वारका में गए थे श्रवणम कीर्तनम कैंप में, तो कोई बोले ये भी एक गोखरा तो वो तीर्थ यात्रा ऐसी नहीं है, इसलिए हम महाराज जो हैं तीर्थ स्थलों में वो श्रवणम कीर्तनम कैंप रखते हैं हम लोग, कि वो श्रवणम कीर्तनम करने के लिए हम वहाँ तीर्थ स्थान में इकट्ठा हुए हैं, ठीक है, ना कि केवल आँखों की एक्सरसाइज करने में। इसलिए जो भक्त वहाँ जा कर के लेक्चर की जगह भ्रमण करने चले आते हैं तो उनके लिए फिर बोला जाता है कि आप आँख की एक्सरसाइज कर रहे हैं, भक्ति सिंह आई एक्सरसाइज डेटी वर्शिप, भगवान का दर्शन करने गए, मतलब आई एक्सरसाइज, ये मटेरियल हो गया। फिर भक्तों की सेवा करना वो प्रयास नहीं है, मंदिर में पूजा करना वो प्रयास नहीं है। जो शुष्क वैराग्य है, जिसका भक्ति से संबंध नहीं है, भक्ति सेवाओं के अंदर जो वैराग्य है उसके अलावा शुष्क वैराग्य, जो भक्ति के लिए कोई इसका संबंध नहीं है, ऐसा वैराग्य वो जो है वो प्रयास है, क्योंकि भक्ति से स्वयं वैराग्य तो प्राप्त होता है। कहाँ कहाँ गया, वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यदहितुकम। अभी सबसे भयानक प्रयास कौन सा है, भक्तिवेन ठाकुर बताते हैं सबसे ज्यादा खतरनाक प्रयास ब्रह्म में विलीन होने का प्रयास, कर्म प्रयास से ज्यादा खतरनाक है, लेकिन उससे भी और एक खतरनाक प्रयास है, हैं भगवान बनना, वो तो मतलब वही हो गया ब्रह्म में विलीन होना, प्रतिष्ठा के लिए प्रयास करना सबसे खतरनाक प्रयास है, प्रतिष्ठा के लिए प्रयास करना सबसे ज़्यादा निम्न सबसे ज़्यादा खतरनाक प्रयास है। उसके विषय में हरि भक्ति विलास में ये श्लोक उद्धृत किया गया है, सर्व त्यागेपि अहेयायाः सर्वानर्थ भुवश्चते कुर्यः प्रतिष्ठाविष्ठाय यत्नम अस्पर्शने वरम। इसका अर्थ है इवन इफ वन कैन गिव अप ऑल मेटेरियल डिजायर्स, द डिज़ायर फॉर फेम इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गिव अप, सारी भौतिक इच्छाओं को त्यागना आसान है लेकिन ये प्रतिष्ठा की इच्छा को त्यागना सबसे अधिक मुश्किल है। दिस डिज़ायर फॉर फेम विच इज़ कंपेयर टू स्टूल, इसकी तुलना की गई है मल से, इज़ द रूट कॉज ऑफ ऑल अनर्थास, सभी अनर्थों का मूल है प्रतिष्ठाशा, सभी भौतिक इच्छाओं का मूल है ये प्रतिष्ठाशा। देयरफॉर वन शुड वेरी केयरफुली अवॉइड टचिंग दिस स्टूल लाइक डिज़ायर फॉर फेम। जैसे हम मल को स्पर्श नहीं करते हैं उसी प्रकार से ऐसे ये जो प्रतिष्ठाशा है ये मल के समान है, इसको कभी भी स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, इतना इसको ध्यानपूर्वक इससे बचना चाहिए। और हम ये सब देख सकते हैं अपने हमारे हृदय में कि कितनी बड़े रूप में ये प्रतिष्ठाशा हमारे हृदय में रहती है और इससे सारे अनर्थ आएंगे, ईर्ष्या आएगी, द्वेष आएगा, सब प्रकार के अनर्थ इससे जनित हो जाएंगे, इसलिए विष्ठा विष्ठा के समान इसको बताया गया। तो जैसे अत्याहार के दो प्रकार थे, मतलब दो अभिव्यक्तियाँ थी, एक गृहस्थ भक्तों के लिए और एक वैरागी भक्तों के लिए, उसी प्रकार से ये जो प्रयास है इसके भी दो विभाग हैं। जो गृहस्थ भक्त हैं उनके लिए वर्णाश्रम को अनुकूल रूप से भक्ति सेवा के लिए जो अनुकूल रूप से करना और भक्ति सेवा में इस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करना वो प्रयास से रहित जीवन है।
उन्हें केवल अपने परिवारजनों को पालन करने के लिए करना चाहिए। ये हमेशा याद रखना चाहिए कि उनके जीवन का एक ही कार्य है, हरि सेवा। अगर वो ऐसा याद रखेंगे तो कभी भी वो प्रयास में नहीं गिरेंगे। वो हमेशा से उनको ध्यान रखेंगे कि हम जो भी कर रहे हैं वो हरि सेवा के लिए ही होना चाहिए। अगर उसका हरि सेवा में उपयोग है तो ही वो करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। चाहे अगर सुख हो के दुख हो, हम सो रहे हैं कि जाग रहे हैं, सौभाग्य की स्थिति में है कि दुर्भाग्य की स्थिति में है, हर कंडीशन में केवल हरि को ही हम भजन करेंगे तो फिर वो बहुत शीघ्रता से सिद्धि प्राप्त कर सकेंगे। और जो वैरागी भक्त हैं उनके लिए तनिक रूप से भी थोड़ा सा भी संग्रह करना वो प्रयास कहलाएगा। किसी प्रकार के इस प्रकार के भौतिक कार्य जिसमें इकट्ठा करना है वो उनके लिए प्रयास कहलाएगा। तो ये दो विषय हमने आज समाप्त किए, अत्याहार और प्रयास। श्री प्रभुपाद इसके विषय में क्या कह रहे हैं? आवश्यकता से अधिक संग्रह करने और खाने से प्रयास अर्थात अनावश्यक उद्यम को जन्म होता है। तो अभी एक और बात है कि हम भक्तगण कभी कभी ऐसा तर्क देते हैं, शहर में जो हम हैं कोई जो रह रहे हैं, कि हम अनावश्यक के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, हम तो केवल रोटी कपड़ा मकान के लिए ये 12-13 घंटे मेहनत और ये सब कर रहे हैं, क्योंकि लग्जरी में जीवन तो बहुत कम लोगों का है। वो तो केवल हार्डली अपना खाने के लिए कुछ कर पाते हैं, हार्डली कुछ सेव कर पाते हैं। तो क्या वो अत्याहार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? अत्याहार और प्रयास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? वो केवल शहर में रह रहे हैं, बॉम्बे सिटी में रह रहे हैं, बहुत छोटा सा जॉब है उनका, कुछ सेविंग नहीं हो पाता है, केवल बस खाते हैं थोड़ा, दैट नथिंग एल्स। तो क्या वो अत्याहार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? यस, कृपानुगा प्रभु आपका क्या विचार है? ओमान में कोई व्यक्ति रह रहे हैं छोटा सा ही मकान है, बहुत एक कमरे का ही मकान है, लेकिन 1 करोड़ का है क्योंकि ये तो पूरा आधुनिक जो आधुनिक जो जीवन शैली है वो तो अत्याहार पे टिकी हुई है। स्मार्टफोन है या एक कार है, आवश्यकता है, लेकिन वो वास्तविक आवश्यकता नहीं होता, आवश्यकता बना दी गई है सोसाइटी के द्वारा, इसलिए वो अत्याहार है, क्योंकि पूरी सोसाइटी का आधार है अत्याहार। अब उसमें हम एक पुर्जे हैं तो हम अत्याहार करना नहीं भी चाहेंगे तो भी हम अत्याहार करने के लिए विवश होंगे, इसलिए वो सब अत्याहार कर रहे हैं। इसलिए भक्तों को ये बात समझने की कि जो भी इस प्रकार से भगवान के दिए सिस्टम के अनुसार नहीं जी रहे हैं वो लोग, ये सब अत्याहार प्रजल्प ये सब में वो लोग जाने अनजाने में उन लोगों को विवश होकर के करना ही पड़ता है। प्रजल्प करना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? ऑफिस में प्रजल्प ही तो करते हैं, और क्या करते हैं, विवश है ना। दे हैव टू टॉक एवरीथिंग विच इज हैज़ नो कनेक्शन विद कृष्णा। प्रजल्प, अत्याहार, प्रजल्प, सारे के सारी चीज़ें ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो सब उनके जीवन में आएंगी। हरे कृष्ण। यस, जैसे अत्याहार और प्रयास, तो अभी हम फार्म पर रह रहे हैं तो हमारा किस लेवल तक हम अत्याहार करते हैं और किस लेवल तक आगे, क्योंकि हमारा भी कुछ लेवल तक, हमारा भी कुछ लेवल तक किस लेवल तक हम मतलब अत्याहार जो है जो जिसमें इंद्रिय भोग की भावना प्राथमिक है, वो भावना हमारी जो होनी चाहिए जितना संभव है उतना उसको भोग की भावना से नहीं, केवल शरीर को टिकाने के लिए करें, उतना हम अत्याहार और प्रयास से बाहर होंगे। जितना हमारे अंदर भावना वो उसको एंजॉइंग मजा लेने की भावना है उतना वो अत्याहार की तरफ या प्रयास की तरफ जाएगा। पहले वाले क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ हो गया ना? हाँ, आपने बड़ौदा गाय लिस्ट दी थी सब, एक में 50 आइटम की, एक में 3 आइटम की, वो जो आपने अपने जितना हम ग्राहक कर सकते हैं उसकी स्टैंडर्ड क्या कुछ नहीं है कि नहीं है? स्टैंडर्ड डेफिनेशन तो
देखिए, हर एक हम में से आगे बढ़ना है हमको ना, जहाँ हमारा रुकना तो है नहीं। हम जहाँ पर एक स्तर पे हैं, जहाँ पर, तो धीरे धीरे जैसे हमारी आगे प्रगति होगी, उतना हमें वो चीज़ की आवश्यकताएँ कम होती जाएंगी हमारी। तो उस प्रकार से आगे प्रगति होती जाएगी, तो वो चीज़ें उसी स्तर पर टिके रहना कि अभी हमने ये स्तर पर हम आ गए, इस पर टिके रहेंगे तो फिर वो अत्याहार में आ जाएगा, अगर हम उस पर टिके हुए हैं जस्ट कि हमें तो बस इस पर बने रहना है। तो इसलिए हमारा जो डायरेक्शन होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि जितना जितना हम उसके आगे बढ़ सकें, तो फिर वो अत्याहार कभी नहीं आएगा। अगर हमारा भावना है कि हमें जितना हो सके उतना हो सके उतना सिंप्लीफाई की तरफ चलना है, तो फिर अत्याहार के उसमें हम कैसे आएंगे। लेकिन अगर किसी भी चीज़ को एक फॉर्मेलिटी बना करके हम पकड़ के रखेंगे, बस इतना ही है, सो मतलब इसमें बाल की खाल को निकालने की आवश्यकता नहीं है व्यर्थ में। ये जो बुद्धिमान है वो समझ सकता है कि ये बात जो है यहाँ पर हो रही है, एक भावना की बात हो रही है, समझने की बात है। इसमें कोई मतलब अपने हृदय को संतुष्ट करने के लिए कि ये है कि ये है, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। अंततः हमारे को डायरेक्शन पता लग गई कि कहाँ पहुँचना है। अभी हम जिस स्तर पे हैं वहाँ से हमें उस दिशा में आगे जाता जाना है। इसलिए किसी को ये अपने अवलोकन के लिए है कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये भावना का प्रश्न है अल्टीमेटली। इसलिए किसी दूसरे पर केवल उंगली नहीं उठाई जा सकती कि बस वो ऐसा कर रहा है ना। अंततः उसके रूट में, इसके रूट में हर व्यक्ति को स्वयं अवलोकन करने की आवश्यकता है कि मैं जो ये उपयोग कर रहा हूँ, क्या मैं शरीर को हष्ट पुष्ट रखने के लिए ये ज़रूरी है, या इसके पीछे मेरा पूरा विचार केवल इंद्रिय संतुष्टि है। अगर वो शरीर को मेंटेन हष्ट पुष्ट रखने के उद्देश्य से किया जा रहा है, तो फिर वो अत्याहार या प्रयास नहीं गिना जाएगा। और अगर उसमें इंद्रिय संतुष्टि ही प्राथमिक है, अभी कोई भी विषय है उसमें साथ साथ में कुछ इंद्रिय भोग भी होगा, मतलब कि उसमें कुछ स्वाद भी आएगा ही, लेकिन उसका प्राथमिक कारण उस चीज़ को करने का नहीं होना चाहिए इंद्रिय भोग। प्राथमिक कारण होना चाहिए शरीर को हष्ट पुष्ट रखना। अगर ऐसी कोई चीज़ है जो कि शरीर को ख़राब कर रही है, लेकिन इंद्रिय भोग के लिए हम स्वाद के लिए कर रहे हैं, तो क्लियरली वो अत्याहार की कैटेगरी में आ रहा है, क्योंकि वो शरीर को घातक है शरीर के लिए, लेकिन हम उसको कर रहे हैं। हाँ, अगर वो बद्ध जीवन के जैसे है ना, वही कि कई लोग जैसे बहुत सात्विक जीवन ऐसे जीते हैं, लेकिन चाय छूटती नहीं लेकिन ये आदत तो उन्होंने बनाई है ना पहले, ये भगवान ने आदत बना करके नहीं भेजी, इसलिए वो उसके दोषी हैं। सोने की आवश्यकता है, वो एक मूलभूत आवश्यकता है। तो ऐसी जो आवश्यकताएं जो क्लियरली, और शास्त्र का निर्देश है फिर हमारे लिए ना कि ये पाप है, तो वो चीज़ को हम अपनाना तो कैसे। वो पुण्य में, पुण्य के अंदर भी, पुण्य के अंदर भी ऐसे बहुत सारे, फॉर एग्जांपल एग्जांपल रख लेते हैं सोना। हां, किसी को खाट पे सो नींद आएगी, जाने से ये कंडीशन है। वो कोई खाट पे सो के पाप नहीं कर रहा, लेकिन बदलाव का अत्याहार क्या है, कैसे देखते हैं। मतलब देखिए, आचार्यों ने इन श्लोकों को समझाने में इस प्रकार से उसकी वो उसमें कहीं पर गए नहीं हैं कि इस तरह के विषय में, तो यानी कि मूल रूप से जो बात हो रही है वो ऐसी चीज़ों के लिए हो रही है जिनकी शरीर की उससे कोई संबंध ही नहीं है, मतलब केवल आर्टिफिशियली पूरी तरह से हमारे बनाई गई। इसलिए हमारे जो सब धर्मशास्त्र हैं उसके अंदर जीवन शैली
कैसे कैसे कहाँ सोना चाहिए, किसी पे सोना चाहिए, उसके लिए भी दिशा निर्देशन है। तो हम धीरे धीरे जैसे जैसे वर्णाश्रम में आगे जाएंगे तो हमें उन चीज़ों का दिशा निर्देशन देना पड़ेगा कि हमें ठीक है तो सोने के लिए क्या उपयुक्त स्थान है, क्या जगह है, खाट है या नहीं है, नीचे सोना चाहिए, किसी पे सोना चाहिए। इसलिए वो विस्तार से वो चीज़ बताई गई है, इसलिए उनके अनुसार हम जीवन जिएंगे तो हमें वो सटीक पता लगेगा कि ये आवश्यकता यहाँ इस स्तर तक ये होनी चाहिए। इसलिए वो डिटेल में डिस्क्रिप्शन सब जानने की आवश्यकता है। जैसे वस्त्र हैं, अभी तो वस्त्रों के लिए भी उल्लेख है ना शास्त्रों में, कैसे वस्त्र पहनने हैं, तो इसलिए तो वो डिटेल में दिशा निर्देशन है शास्त्रों में। हाँ, उस दिशा की तरफ बढ़ना चाहिए और फिर और डिटेल में जाने के लिए, गहराई में, सूक्ष्म में जाने के लिए फिर शास्त्रों के निर्देश हैं। जैसे जो आपके जैसे प्रश्न हैं छोटे, तो इनके लिए भी दिशा निर्देशन है, तो वो जानने का प्रयास करना चाहिए कि फिर क्या है शास्त्र में, क्या बताया गया है, कैसे पहनना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए, या क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। हाँ, वो दिशा निर्देशन है, वो भक्ति का प्रयास कर रहे हैं तो ये वाक्य अकॉर्डिंग टू आज के जो लेक्चर में वो गलत ही है। क्यों? भक्ति का तो प्रयास होता ही नहीं है, भक्ति तो एक प्राकृतिक चीज है, सब चीजें तो प्रयास होती नहीं। तो बताया ना कि जो थोड़ा सा प्रयास भगवान की सेवा के लिए जरूरी है वो प्रयास नहीं गिना जाता है, यहाँ पर प्रयास का सामान्य शब्द दिया गया है। तो सामान्यतः अगर ये टीका जिसने पढ़ी है इसको पता है तो वो तो ये वर्ड यूज़, ये सेंटेंस यूज़ ही नहीं करेगा। नहीं, ऐसा नहीं है कि इसका यही एक अर्थ है, कॉन्टेक्स्ट होता है ना हर चीज़ का, कॉन्टेक्स्ट, हर चीज़ कॉन्टेक्स्ट में समझ सकते हैं। तो इस किस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर ये प्रयास शब्द का उपयोग हो रहा है, दूसरी जगह दूसरे कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है, ऐसा एक ही कॉन्टेक्स्ट में हर चीज़ यूज हो, ऐसा नहीं है ना। जो हम सामान्य भाषा में जो प्रयास करते हैं दैट इज एनी एंडेवर इज कॉल्ड प्रयास, लेकिन यहाँ पर जो प्रयास जो जिस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, और समझाया ना इतना सारा जो पूरा लेक्चर में आधा घंटा वो कॉन्टेक्स्ट समझाया ना, किस कॉन्टेक्स्ट में वो बात हो रही है प्रयास की, कि जो आवश्यकता से अधिक जो प्रयास उसको यहाँ पर प्रयास कहा गया ना, तो कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा ना उसका। भक्ति का प्रयास कर रहे हैं तो आप कहेंगे ये हाँ प्रयास प्रयास सुना मैंने, हाँ वो प्रयास हाँ नहीं करना, तो कॉन्टेक्स्ट देखें ना, वो किस कॉन्टेक्स्ट में वो बात कर रहा है, किस कॉन्टेक्स्ट में ये बताई बात आई जा रही है ना। ऐसा कुछ नहीं, बहुत महत्वपूर्ण है, पहले श्लोक है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्यां जगत्तेन त्यक्तेन गुंजिता मा गदः कस्सस्विद्धनम्। यही उसका प्रपोर्ट है कि जो भगवान ने हमारे लिए दिया है जितना उसी का ही उपयोग करना चाहिए। श्री प्रभुपाद की जय।